सदन के भीतर किस तरह से देखते हैं विपक्ष जिस तरह से बेल में आकर नारेबाजी की और आपने भी उस पर कहा जनमंच में क्या होता था, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जनमंच हमने विपक्ष में भी कहा कि ये जनमंच नहीं था, ये झंड मंच था। इसमें अधिकारियों की झंड करी जाती थी, इसमें विपक्ष के नेताओं की झंड करी जाती थी और 2-2.5-3 करोड़ रुपए केवल जो है वो धाम लगाने के लिए सरकारी खर्चे पे भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा के हारे हुए निकारे हुए नेताओं के लिए लगाया जाता था, जिसको व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप इस सरकार ने बंद कर दिया है। मगर मुख्यमंत्री जी ने यह भी विधानसभा में कहा है कि जो भी हमको इस तरीके के और कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे जिसमें खर्चा कम होगा मगर जनसंवाद पूरी तरीके से बना रहेगा, उसको हम प्रदेश में आने वाले समय में ज़रूर चलाएंगे। उसके लिए आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर देंगे, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। मगर मुख्यमंत्री जी ने जनमंच के लिए भी और ऐसी और भी जो स्कीम्स भाजपा के समय में शुरू हुई थी उसमें अपना वक्तव्य देते हुए साफ कहा है कि जो स्कीम प्रदेश के हित में थी उसको बंद नहीं किया जाएगा, चाहे वो गुड़िया स्कीम थी, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी या और भी ऐसी आपकी हिमकेयर थी, सहारा योजना थी, वो सब स्कीमें चलेगी। उसके लिए बजटरी प्रोविजन भी करवाया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध से, राजनीतिक द्वेष भावना से कोई काम प्रदेश के अंदर नहीं होगा, मगर जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वर्तमान पूर्व सरकार द्वारा किया जा रहा था उसको वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। सर, पिछली रात को